देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए आपको अपना अपने कलेजे पर पत्थर रख कर के दो निश्चय करने पड़े हैं। आप लोगों से मिलना भी नहीं और एकांत में रहना, बातचीत भी न करना, मौन साधन करना और एकांत में रहना, ये दो निर्णय हमने खुशी से नहीं किए। बड़ी जिम्मेदारियां कंधे पर आ गई और बड़े जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता होती है। शक्ति की आवश्यकता थी और शक्ति सहज नहीं आती है, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। पहलवान बनने के लिए कोई आदमी सहज ही पहलवान नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। विद्वान कोई आदमी सहज ही नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है। धनवान कोई सहज ही नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हमको भी दो काम पूरा करने में सामर्थ्यवान होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस कड़ी मेहनत करने के लिए एकांत की ज़रूरत थी, अखाड़े की ज़रूरत थी। अखाड़ा एकांत में होता है, सड़क पर नहीं होता। बस इस काम के लिए आपसे अलग होने की ज़रूरत पड़ी और उसी काम में हम लग गए। मार्गदर्शक हमारा गुरु है, हमारा उसका जो मार्गदर्शन मिलता है उसी के आधार पर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। कर भी दिया है, बिना आपसे पूछे, बिना आपकी राय लिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है और पूरा करके रहेंगे। कोई काम अधूरा हमने रहने भी नहीं दिया है। ज़िंदगी इतनी लंबी हो गई, कोई काम अधूरे छोड़े हैं, ना अधूरा हमारा कोई काम नहीं छूटा हुआ है। जिस काम में हाथ डाला है उस काम को अखीर करके दिखाया है। किसने दिखाया है? आपने ना, यूँ मत कही, यूँ कहने से बहुत गलती की बात हो जाएगी। सामर्थ्यवान के साथ किसी के साथ हमारा एक ही सौभाग्य है कि हमको किसी सामर्थ्यवान के साथ चिपक जाने का मौका मिलता रहा है। अगर किसी सामर्थ्यवान के साथ में चिपकने का मौका न मिलता तो हमारा शरीर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाड़ का बना हुआ, मांस का बना हुआ, बेकार का शरीर में कोई विशेषता भी तो नहीं है। तो ये शरीर कुछ बड़े काम कर नहीं पाता। ये बड़ी शक्तियों के साथ में जुड़ा रहने का हमारा सौभाग्य कह लीजिए, आप हमारी हिम्मत कह लीजिए, लोगों की, बड़े लोगों की अनुकंपा कह लीजिए, जो भी आपका मन आए कह लीजिए, पर एक ही विशेषता हमारे अंदर है कि हम बड़े लोगों के साथ चिपक गए। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई पढ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा, मज्जन फल देखिए तत्काला, का कहो है पिक बकहु मराला। कौए कोयल हो जाते हैं और बगले हंस हो जाते हैं त्रिवेणी का संगम करने से, संगम में स्नान करने से। ऐसी त्रिवेणी का स्नान, बस यही अध्यात्म है, तीन टुकड़ों में बटा हुआ है। अध्यात्म का तीन टुकड़ों में बटी हुई है और आध्यात्मिक साधना का सारा माहौल तीन में बटा हुआ है। उपासना एक, साधना दो, आराधना तीन, तीन में बटा हुआ है। ये हम तीनों ही काम करते रहे हैं। आपने जाने किए कि नहीं किए, आप जाने। आप शायद चावल, धूप बत्ती, नैवेद्य वगैरह चढ़ा करके और माला घुमा करके अपनी बात समाप्त कर देते होंगे। हमने समाप्त नहीं किए, वहाँ से शुरू तो किया है ज़रूर, लेकिन ये तीन जो अध्यात्म की शर्तें हैं उनको हमने अनिवार्य रूप से पूरा किया है। त्रिवेणी में हमने ज़रूर स्नान किया है और उस स्नान करने के बाद में कौए को कोयल बनने का और बगले को हंस बनने का मौका मिल गया है। आप देख सकते हैं, ये उदाहरण हमारे ऊपर आप देख सकते हैं। जिस गांव में, जिस घर में जन्म हुआ है, सारे के सारे गांव में कौए रहते हैं। आप अभी भी चले जाइए और जहां हमारा जन्म हुआ है, जिस वातावरण में हम पले हैं उसको में आप चले जाइए, सब बगले रहते हैं। हंस कोई नहीं रहता और कोयल कोई नहीं रहती, लेकिन हम अकेले हो गए क्योंकि हमने त्रिवेणी में स्नान कर डाला। और त्रिवेणी में स्नान करना ही असली अध्यात्म की शिक्षा है। उपासना, नज़दीक बैठना। उपासना माने नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने का एक असर होता है, नज़दीक बैठने का भी असर होता है। चंदन के पास नज़दीक बैठने वाले पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, झाड़ी के होते हैं, झंकार होते हैं, लेकिन वो झाड़ झंकार के पौधे भी चंदन की वजह से, चंदन की खुशबू की वजह से वो भी सब सुगंधित हो जाते हैं। हमारा भी ऐसा ही हुआ है। एक बहुत बड़ा चंदन जो हिमालय पर हुआ है, उसके साथ में हमने अपने आप को जोड़ लिया, खुशबूदार हम भी हो गए। चंदन तो हम नहीं हैं, पर चंदन के समीप बैठने की वजह से खुशबूदार हम जरूर हो गए, खुशबूदार जरूर हो गए हैं।
आपने ये सबको देखा होगा, ईंधन और आग को देखा है ना। ईंधन लकड़ी का होता है, ख़राब होता है, घुना हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, गीला होता है, लेकिन आग के नज़दीक जाने के बाद में वो ईंधन इतना ज्वलंत हो जाता है कि आप चूहे तो देखिए ज़रा। अभी तो आप उस लकड़ी को यहाँ से वहाँ उठाए फटते थे, लात मारते थे, कुछ भी करते थे, अब ज़रा छूइए ना, आग आ गई ना उसमें। ये कैसे आ गई? नज़दीक बैठने से। अगर वो ईंधन आग के नज़दीक न बैठा होता तो दूर रहता तो वो इसकी हैसियत उसी तरह की बन जाती जैसी की होनी चाहिए। नाला नदी में शामिल हो जाता है। नाला किसे कहते हैं? नाला उसे भी कहते हैं जिसमें गंदा पानी बहता रहता है, गांव का पानी, खेत का पानी, नाले का पानी, मैले का पानी जिसमें बहता रहता है, नाला कहते हैं उसको। और जब वो गंगा में शामिल हो जाता है तो गंगा जल माना जाता है, और लोग उसी में से भर ले जाते हैं। थोड़ा पानी गंदा भी होता होगा और अच्छा पानी भी होता है, गंगा जल के रूप में उसका उपयोग करते हैं और वही फल देता है जो गंगा जल में होना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये उपासना हुई, नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने के मानिए चिपक जाना। चिपक जाने का मतलब है समर्पण कर देना, समर्पण कर देना। समर्पण करना होता है खाली, ये नहीं आप पास बैठे रहे। पास बैठने से क्या हो जाएगा? चिपकना पड़ता है, चिपकना पड़ता है। चिपकने की विद्या हमारे गुरु ने हमको सिखा दी और हमने सीख ली, और सारी ज़िंदगी भर चिपकते हुए हम चले आए हैं। बड़ों के साथ में हम चिपकते चले गए। शादी होती है, कोई स्त्री बेचारी गांव की बिना पढ़ी किसी संपन्न आदमी के पास, किसके साथ में, सेठ के साथ, विद्वान के साथ, डॉक्टर के साथ शादी हो जाती है। उस लड़की की हैसियत एक घंटे के बाद में बदल जाती है, गांव की गंवार नहीं रहती, फिर वो सेठानी हो जाती है, पंडितानी हो जाती है, डॉक्टरनी हो जाती है, जाने क्या हो जाती है। और उसके पति की मृत्यु हो जाए तो जो कुछ भी उसके पास संपदा थी पति की, एक घंटे बाद उसकी मालकिन हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसने सौंप दिया अपने आप। समर्पण की बात मैं कह रहा हूँ। उपासना समर्पण का नाम है, और छू लेने का नाम नहीं है। वेश्या भी छू लेती है शरीर को, पर वो मालकिन कहाँ हो जाती है? संपत्तिमान कहाँ हो जाती है? डॉक्टरनी कहाँ हो जाती है? पंडितानी कहाँ हो जाती है? सेठानी कहाँ हो जाती है? छू लेने से मतलब छूकर की भाग जाना नहीं है। गणेश जी के पाँव छू लेने से, किसी गुरु के पाँव छू लेने से, हाथ छू लेने से बात नहीं, बल्कि अपने आप को सुपुर्द करने से मतलब है। वही हमने किया है, और वो अपनी ब्यौरा आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपका भी मन कभी ऐसा है, आपको भी सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, कोई ऐसी जिम्मेदारियाँ उठाना है, आपका भी मन चले कभी, जैसा कि हमारा मन हमेशा चलता रहा है, कोई बड़ा काम करना चाहिए, किसी बड़े आदमी को अपना बनाना चाहिए और अपने को बड़े आदमी का बनाना चाहिए। ये हविष, ये इच्छा, ये ख्वाहिश हमारे हमेशा मन में रही, और उसी को पूरा करने के लिए अब हम फिर नए से ऐसे नया कदम उठा रहे हैं। पारस और लोहे के बारे बात सुना है आपने? लोहा होता है और पारस पत्थर को छू जाता है, सोना बन जाता है। सोना बन जाने की बात सही है गलत है? बताइए, आप बताइए। अच्छा चलिए हम बताते हैं सही है गलत है। एक महात्मा जी के पास पारस पत्थर था, उसके पास एक चेला बहुत दिन से लगा हुआ था। स्वामी जी आप पारस पत्थर हमको दे दीजिए, आपके पास तो है, हमें पक्की बात मालूम है, न हो तो आप घंटे दो घंटे को ही दे दीजिए, उसी से हम अपना इतना सोना बना लेंगे कि ज़िंदगी पार कर लेंगे, आप पारस पत्थर का फ़ायदा हमको भी उठाने दीजिए। बहुत दिन तक तो हम स्वामी जी ने महात्मा जी ने मना किया, अरे हमारे पास नहीं है, भाग जाए से। लेकिन फिर एक दिन उनको दया आ गई, उन्होंने कहा अच्छा देते हैं। तो उन्होंने कहा देख वो जो डिब्बा रखा है ऊपर से लोहे का, उसको उठा के ले आया, चाबी इसको दी। उन्होंने कहा चाबी इसमें से खोल ले, पारस पत्थर रखा हुआ है निकाल ले। उसको शक हुआ, उन्होंने कहा स्वामी जी बहका रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आप बहकाते क्यों हैं? ये चाबी लोहे की और ये डिब्बा लोहे का, और इसके अंदर पारस पत्थर रहा होता तो फिर बताइए ये डिब्बा सोने का हो गया होता ना, ये डिब्बा तो लोहे का बना हुआ है। उन्होंने कहा जरा खोल तो सही। खोल करके उसको देखा तो पारस पत्थर के चारों ओर कपड़ा लपेटा हुआ था। कपड़ा लपेटने के बाद में वो लोहे का और पारस पत्थर का छूना नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब ऐसे कर, कपड़े को हटा दे। कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाने देने के बाद में पारस पत्थर उसी संदूक जी से छुआ वो भी सोने की हो गई। चाबी से छुआ वो भी सोने की हो गई। तेरे पास कोई और चीज़ है, जो कोई और चीज़ है उसको ले आ जल्दी से और उसको छुला ले और वो भी सोने की हो जाएगी। पारस पत्थर गलत नहीं था,
पर वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा था? इसीलिए नहीं कर रहा था कि उसके चारों ओर से कपड़ा लपेट दिया गया था, हमारा मन लपेटा हुआ हो कपड़े में, पूरी तरीके से मिलता न हो, ऐसे ढंग पाखंड बनाता हो, तब बात कैसे बनती है? हमको जो शक्ति मिली है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपासना को अब हम नए से ऐसे करने लगे हैं। कि तो हमने जाएंबर इसी तरीके से है, पर अब हम और भी जोरों से उसको करने के लिए पढ़े हैं। स्वांति की बूंद के बारे में सुनाया आपने, स्वांति की बूंद गिरती है, कहाँ गिरती है? जहाँ कहीं भी गिरती है गजब कर देती है। सीप में गिरती है तो सीप में मोती बना देती है। बांस में गिरती है तो वंशलोचन बना देती है। गाय के सिंह पे गिरती है गोलोचन बना देती है। जाने क्या क्या बना देती है, लेकिन सबको बना देती है। फिर ये समुद्र में सीपें क्यों हैं? इनका मुंह खुला हुआ नहीं था, इनका मुंह बंद था। जिन सीपों ने मुंह बंद कर रखा था उनके अंदर मोती पैदा न हो सके। जो बांस बंद थे, जिनमें सुराख नहीं थे, उनके अंदर वंशलोचन नहीं पैदा हो सका। हमको अपना मुंह खोलना पड़ता है, दिल खोलना पड़ता है, कलेजा खोलना पड़ता है, उसको अपने भीतर रमा लेना पड़ता है और उसके भीतर अपने को रम जाना पड़ता है। ये दो बातें अगर आप कर सकते हो, हमने जैसे की है, तो मज़ा आ जाए। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, कुत्ते के बछड़े को दूध नहीं पिलाती। गाय के थनों में दूध हो और उसका बच्चा भाग गया हो तो उसको ढूंढ करके जब तक आप नहीं लाएंगे, गाय हैरान रहेगी, थनों में दूध भरे रहेगी, चिल्लाती रहेगी। लेकिन कोई उस गाय से ये कहे कि इस कुत्ते को के बच्चे को दूध पिला दे, गाय नहीं पिलाएगी, सिंह मारेगी। अपने बच्चे को पिलाती है। आपको हाथी के बच्चे हैं तो हाथी होना चाहिए, और आप शेर के बच्चे हैं तो शेर होना चाहिए, और आप घोड़े के बच्चे हैं तो घोड़ा होना चाहिए, और संत के बच्चे हैं तो संत होना चाहिए। हमने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको भगवान के बच्चे की हैसियत कायम रखनी चाहिए, और हम अपने समर्थ गुरु के बच्चे हैं तो हमको अपनी हैसियत कायम रखनी चाहिए। आपको मैं इसलिए बताता हूँ अपना ब्यौरा, आपके जी में भी शायद कभी आ जाए, आप भी ज़रूर समझें इस बात की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं भी बताता आपको। बेल ऐसी होती है जो ज़मीन पर फैली रहती है, लेकिन पेड़ के साथ में लिपट जाती है तो उसकी ऊँचाई पेड़ के बराबर हो जाती है। बेल पेड़ की बराबर ऊंचा होना संभव है ना? असंभव बात है। बेल जमीन पर घूमती रहती है। पेड़ से लिपट जाने के बाद ही वो इतनी ऊंची होती है, इससे कम में ऊंची नहीं होती। और बंसरी आपने देखी है, बांस की होती है। बांस में आवाज़ निकल सकती है? नहीं, बांस में आवाज़ नहीं निकल सकती। वो बजाने वाले के होठों से अपने आप को लगा देती है, और लगाने का परिणाम ये होता है कि उससे ये कहती है बजाने वाले से, तेरी मर्जी के ऊपर है, चाहे जिस तरीके से बजाए, बजाना चाहे चाहे जैसी आवाज़ निकालना चाहे, मैं तो पोली हूँ। पोली अगर न हो तब, ठोस हो तब, उसमें बांसों में जहाँ गांठें होती हैं, गांठों में जहाँ रुकावट होती है वहाँ लगी रहे तब बंसरी बज सकती है ना? तब बंसरी नहीं बजेगी। बूंद अपने आप को समुद्र में गिराती है और अपनी हस्ती ख़त्म कर देती है, इसीलिए वो समुद्र बन जाती है। अगर अपनी हस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहे तब वो बूंद ही बनी रहेगी, तब वो समुद्र नहीं बन सकेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, अध्यात्म में अद्वैत बनना पड़ता है, भगवान को, भगवान माने ऊँचे सिद्धांतों को, आदर्शों को, महापुरुषों को अपने साथ में मिला लेना पड़ता है, या उनके साथ में मिल जाना पड़ता है, घुल जाना पड़ता है। बस इसी का नाम उपासना है। उपासना हमने की है और अब हम और भी जोरों की उपासना करने के लिए चल पड़े हैं। तब क्या होगा? फिर उसकी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। पास से हम जितने ज़्यादा नज़दीक आएंगे, जितने ज़्यादा घुलेंगे, उतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। आपने हनुमान जी की बात सुना है? हनुमान जी कौन थे बताइए? हनुमान जी एक बंदर का नाम है जो सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे। सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव उस आदमी का नाम है जिसके भाई ने, बाली ने उसकी बीवी को छीन लिया, बच्चों को छीन लिया, घर को छीन लिया, खेत को छीन लिया, सबको छीन लिया, और मारते मारते डंडों से उसको भाग दिया और भाग करके एक पहाड़ की खोह में छिप गया। कोई और नौकर तो साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, पर एक ही आदमी तैयार हो गया, हनुमान। हनुमान नौकरी करता था, खाना पकाता था, बेचारी के पैर दाबता था, कपड़े धोया करता था सुग्रीव के, और कोई हैसियत नहीं थी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब पहाड़ के ऊपर गए तब उन्होंने हाथ जो माथ नायत अस पूछत वे
माथा नवा करके ब्राह्मण का वेश बना करके जनेऊ पहन करके पत्थरा बगल में दाब करके पहुँचा इतने ढंग बना करके कि आप कौन हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान को जानता था नहीं, भगवान को नहीं जानता था, लेकिन भगवान को जानने के बाद में फिर हनुमान की हैसियत कितनी हो गई आपने देखा ना। रामचंद्र जी के खानदान में शामिल हो गया, राम पंचायतन का फोटोग्राफ आपने कहीं बिकते हुए बाजार में देखे होंगे। पांच तो भाई हुए हैं, चार भाई और उनकी सीता जी, पांच तो हुए हैं, छह में हनुमान जी हैं पास में बैठे हुए हैं। वो भी उसी खानदान में शामिल हो गए, उन्हीं के भाइयों में हो गए, उन्हीं के भतीजों में शामिल हो गए, उन्हीं में शामिल हो गए। कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि हनुमान जी ने रामचंद्र जी के लिए अपने आप को सुपुर्द कर दिया, और सुपुर्द कर देने के बाद में रामचंद्र जी ने अपनी सारी हस्ती और सारी शक्ति हनुमान जी के सुपुर्द कर दी। आपको मालूम है हिमालय से संजीवनी बूटी लेने गए थे, मालूम है ना? अच्छा, उसको पहाड़ को उखाड़ के लाए थे, मालूम है ना आपको? हाँ, आप उखाड़िए ना पहाड़, पहाड़ को पहले क्यों नहीं उखाड़ लिया पहाड़ को हनुमान ने? और समुद्र को छलांगा था, आप छलांग के दिखाइए ना। पहले जब विचार चल रहा था कि समुद्र को कौन जाएगा कौन पार करेगा, तो उन्होंने जामवंत ने सलाह दी थी कि तुम चले जाओ छलांग मार दो, भगवान जी की सहायता तुम्हारे पीछे है, तुम पार कर सकते हो। ये कैसे हो गया? हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? लंका को छलांगने की शक्ति कहाँ से, उसको समुद्र को छलांगने की शक्ति कहाँ से आ गई? लंका को उजाड़ने की शक्ति कहाँ से आ गई? उसको रावण को और उनके एकलखपूत सवा लख नाती सवा 2 लाख आदमियों को चैलेंज करने की शक्ति कहाँ से आ गई? कहीं से नहीं आई थी, वो रामचंद्र जी की थी। रामचंद्र जी को उसने अपना बना लिया था और अपने को रामचंद्र जी का बना लिया था। आपने अर्जुन का नाम सुना है ना, पांडवों का पांडवों में से एक था, और जब 14 वर्ष का वनवास उसको कर दिया गया तो वो नाचना गाना सिखाने लगा, भीम खाना पकाना करने लगा। सब बेचारे इधर गरीब की तरीके से नौकरी चाकरी करते फिर रहे थे। ये पांडव थे, और ये पांडव थे जिन्होंने 100 कौरवों की सेना को, इतनी बड़ी सेना को एक किनारे पर लगा दिया था। ये इस पांडव में, उस पांडव में क्या फ़र्क है? इतना ही फर्क है कि वो पांडव स्वयं तक सीमित थे, और ये पांडव श्री कृष्ण भगवान की संपदा थे। वो ग्वाल बाल वही थे जो घरों में रहा करते थे, लेकिन उसको पहाड़ को उठाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी लाठी का सहारा लगा करके पहाड़ को उठवाने में मदद की। इतने ज़बरदस्त थे ग्वाल नहीं, इतने नहीं थे, वो श्री कृष्ण भगवान की वजह से थे। रीछ और बंदर पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ के लाए, नल और नील ने समुद्र का पुल बनाया। समुद्र का पुल नलील ने पहले बनाया था, पहले कोई कंट्रैक्ट लिया था, पहले किसी नदी का पुल बनाया था, पहले कोई नाला बनाया था। अरे भाई, रीछ कहीं नाला बनाते हैं, जंगली बेर खाते फिरते हैं, रथ के उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने समुद्र के ऊपर तैरने वाला पुल बना दिया था। कैसे बना दिया था? ये रामचंद्र जी की वजह से बना दिया था, अन्यथा और कोई वजह नहीं थी, और कोई वजह नहीं थी। रामचंद्र जी इसी तरीके से भगवान के साथ में मिल जाने से कौन क्या क्या हो जाता है। हम भी इसी तरीके से अपने गुरु के साथ में, अपने भगवान के साथ में मिल जाने की वजह से इतने ज़बरदस्त हुए हैं, और अभी ज़बरदस्ती में हमारी में कमी है, उस कमी को पूरा मांगने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है। आप भी इसी तरह का सीखना, आप मछली वालों की तरीके से, चिड़िया पकड़ने वालों की तरीके से वजन मत करना। आटे की गोली लगा करके पानी में फेंक देते हैं, मछली मिल जाए तो मछली का शोरबा बनाकर दाने फेंक देते हैं, चिड़िया हमारे चंगुल में आ जाए तो चिड़िया को पकड़ ले और उसका शोरबा बना डाले, ऐसा मत कीजिए। दाने फेंक करके, चावल फेंक करके, अक्षत फेंक करके, धूप फेंक करके, माला घुमा करके आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हों तो पुराने उदाहरण जो थे वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, और उन कामों को आप नहीं कर सकेंगे। उस कामों को करने के लिए अपने आप को समर्पण और अद्वैत की जो भावना है वो ही ग्रहण करनी पड़ती है। हम उसी को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, हम उसके हैं और वो हमारा है, ना आप हमारे हैं ना हम आपके। इस तरीके से एकांत का धारण हमने को इसीलिए करना पड़ा, और मौन का धारण हमको इसीलिए करना पड़ा, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए हमको इसीलिए करना पड़ा। भगवान की इच्छा को पूरा करने वालों की इच्छा अधूरी रही है क्या? नहीं, अधूरी नहीं रही है, वो बड़े मालदार हो गए हैं। भगवान के पास में पारस पत्थर को छू करके जब आदमी मालदार हो जाते हैं तो भगवान को छू करके क्यों मालदार नहीं होंगे?
आपने सुग्रीव का नाम सुना है ना? अभी अभी मैं कह रहा था ना आपसे, एक पहाड़ की खो में अपनी जान बचा करके रह रहा था, लेकिन जब भगवान के पास हो गया तब क्या हुआ, तो फिर मज़ा आ गया। फिर वो सुग्रीव राजा हो गया और बाली भी मारा गया, सब मारा गया, बेटा भी मिल गया, बीवी भी मिल गई, सब मिल गया और सब क्या कैसा हो गया, राजा हो गया। आपने विभीषण का नाम सुना है ना? विभीषण एक छोटी सी कोठरी में रहता था और एक बार रावण को समझाने की उसकी इच्छा हुई, रावण को समझाएं कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक रात मारी तो उल्टा गिरा और चुपचाप भाग करके अपनी कोठरी में जा बैठा और बैठता था। कोई हैसियत थी? कुछ हैसियत नहीं, वहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाता होगा, उसी से अपना गुजारा करता होगा, एक आध बीघा खेत होगा कहीं से, उसमें कुछ अनाज कर लेता होगा। लेकिन जब रामचंद्र जी का हो गया, भगवान जी का हो गया, तब फिर बहुत मालदार हो गया, सोने की लंका उसी के सुपुर्द हुई और इतना बड़ा साम्राज्य जो वहाँ से लेकर के पंचवटी से लेकर के लंका तक का फैला हुआ था, उस सारे साम्राज्य का बादशाह हो गया, राजा हो गया, बड़ा हो गया। नरसिंह मेहता का आपने नाम सुना है? नरसिंह मेहता को अपनी बहन के लिए पैसे की ज़रूरत थी और उसको भात देना था, पैसे की ज़रूरत थी, कहाँ से लाता बेचारा, कहीं से नहीं मिला, भगवान की यहाँ से मिला, तो इतना पैसा उसकी कोठरी में बरसता रहा, इतने आंगन में पैसा बरसा कि लोग अचंभे में रह गए, ये कहाँ से पैसा आ गया, भगवान के पास कुछ पैसे की कमी है क्या? भगवान के पास पैसे की कमी नहीं है। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना है ना? नरसिंह मेहता का। और आपने सुदामा का नाम सुना है ना? उसकी बीवी ने कहा था कि यहाँ घर में खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ हम कितनी तंगी में हैं, और तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान मित्र होते हैं, तुम एक दिन चले जाओ ना, खाने पीने का सामान मांगने के लिए सुदामा जी गए थे। लेकिन सुदामा जी उनकी सखा, उनके मित्र, हमारे मित्र हैं और हमारे सखा हैं, किस्मात सहायक स्वामी सखा और हमारे सखा भी। इस तरीके से सुदामा जी को उन्होंने अपनी सखा को सारा जो कुछ सामान था अपने सब सपोर्ट कर दिया, जो वहाँ उनके यहाँ सुदामापुरी में माल था वो सब वहाँ से लाद करके सुदामापुरी में भेज दिया। पोरबंदर जहाँ है ना आजकल, वहाँ था, उसी को सुदामापुरी कहते हैं। द्वारका में भगवान जी रहते थे, वहाँ का साम्राज्य बनाया था उन्होंने, तो अपने भाई को दिया, न अपने भतीजे को दिया, न किसी को नहीं दिया, जो कुछ भी पास था सब सुदामा जी को बदल दिया। आप ये कैसे हो गया? अरे जुड़ गए, आप सुनते नहीं, जुड़ जाना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े कलेजे की बात है। हर आदमी बड़ा स्वार्थी और बड़ा चालाक और बड़ा बेईमान है, ये चाहता है कि इनसे हमको मिलना है वो मिल जाए और हम इनके काम नाम है। ये बिजली के तार हमारे सामने लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं? बत्तियाँ जलती हैं इनकी, हाँ बत्तियाँ जलती हैं इसीलिए जलती हैं कि ये बिजली घर से आने वाले तारों के साथ में जुड़ गए। अगर ये जुड़े नहीं होते तब ये इसी तरह की बल्ब दिखाई पड़ते, इनमें न प्रकाश होता न रोशनी होती, कुछ नहीं होता। पंखे जलते हैं ना, हाँ पंखों में भी होता है, पंखों में लोहा भी होता है, आर्मेचर भी होता है, और भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, कॉयल भी होते हैं, लेकिन जब बिजली से सब संबंधित होते हैं तो पंखे दौड़ने लगते हैं, हीटर, कूलर, और भी दुनिया भर की मशीनें, पानी खींचने की पंप और दूसरी चीज़, आटा पीसने की चक्की, ये चक्कियों में ताकत है क्या? नहीं, बिजली नहीं आए तो तक का ताकत कहाँ से आ जाएगी? हम और आप जैसे भी हैं, बुरे हैं, भले हैं, लेकिन जब तक केवल अपने ऊपर और अपने अहंकार के ऊपर हम टिके हुए हैं तब तक हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान के पास हैं। भगवान का बेटा अपने आप को अपने पिता की संपत्ति क्यों नहीं पाएगा? बेटा तो हो ना, नहीं साहब हम तो उनके गांव में रहते हैं और वो तो बेटा बेटा कहते थे हमको, और हमको पिताजी सब कहते थे, हमें पिताजी कहते थे, आप कहते तो थे वास्तव में तो नहीं थे। आप जो कमाते हैं वो कमाई ला करके पिताजी के हाथ पर रखी, नहीं साहब वो जो कमाते हैं वो तो अपने जेब में रखते हैं, कहते पिताजी हैं, आप कहते पिताजी हैं तो फिर कैसी बात बनेगी? कहते पिताजी हैं तो उनके पैर दावा कीजिए, उनकी हारी बीमारी का ध्यान रखा कीजिए, जो कमाते हैं वो ला करके उनके हथेली पर रखा कीजिए, उनसे ये पूछा कीजिए हमको क्या करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से हैं तो आप बेटे हैं, ये तो कहते हैं बेटे, कहने से क्या हो जाता है? कहने से नहीं हो जाता। हमने भगवान तो देखे नहीं है पर हमने मूर्ति के रूप में भगवान को पा लिया है, हम अपने गुरु को भगवान कहते हैं।
भगवान जी देखें आपने नहीं, निराकार हैं भगवान, हम किस तरह से देखें उनको, जो तमाम जगह फैला हुआ है, हवा की तरह फैला हुआ है, रोशनी गर्मी की तरीके से फैला हुआ है, व्यवस्था की तरीके से फैला हुआ है, लाइफ की तरीके से फैला हुआ है, प्राण की तरीके से फैला हुआ है, वो कहीं देखने में आता है क्या? ना, देखने में नहीं आता। हमने अपने गुरु को देखा है और गुरु को देखा है और उसको उसको देखा आँख से, आँख से नहीं देखा गया था। मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा था कि आप बार बार ये कहते हैं आप हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो हम क्या करें? आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपका प्राण हमने देखा है और आपने हमारे प्राण को देखा है, फिर क्या करेंगे? आपने हमारे शरीर को देखा है, चमड़े को देखा है, चमड़ा तो इस चमड़े के भीतर से अगर हमारे प्राण की हवा निकल जाए तो आप छुएंगे भी नहीं इसको। और यूँ कहते हैं फिरेंगे जितनी जल्दी हो सके गुरु जी को शमशान घाट पहुंचा देना चाहिए। जो प्राण है हम असली आपने देखे हैं नहीं? देखे नहीं। भगवान को हमने देखा है नहीं? भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने ये किया है, कौन से? अपने गुरु को देखा है, रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने देखा था और ब्रजानंद को दयानंद ने देखा। देखने का मानी जो आप कहते चलिए और हम करते चलेंगे। हम आप बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, खंडन की बात कहते हैं कि मंडन की बात कहते हैं, विदेश जाने की बात कहते हैं, हिंदुस्तान रहने की बात कहते हैं, जो कुछ भी बात करेंगे हम पूरा करेंगे। दयानंद ने भी ऐसा किया और किन किन ने किया? चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम सुना है ना आपने? चाणक्य ने जो हुक्म दिया कि तुमको ये करना पड़ेगा और वहाँ लड़ने जाना पड़ेगा और सेना संगठित करनी पड़ेगी, कहता रहा। पहले तो एक बार ये भी कहा था, हम तो नान के पेट से पैदा हुए हैं, हमारी हैसियत तो कुछ है नहीं, हमको तो लड़ना भी नहीं आता। उन्होंने कहा तुझको लड़ना नहीं आता तो हमको तो लड़ना आता है। शिवाजी का नाम सुनाया आपने, समर्थ गुरु रामदास का नाम सुनाया आपने, समर्थ गुरु रामदास के कहने के मुताबिक शिवाजी तैयार हो गए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए और समर्थ गुरु रामदास की सारी शक्ति उनके हाथ में सुपुर्द हो गई। वो ले करके चले गए, जाते रहे और बराबर काम करते रहे। नदी में से पार करना हर आदमी का काम नहीं है, लेकिन नाव और नाविक जब मिल जाते हैं, नाव में जब बैठ जाता है और नाविक से कहता है हमको लेकर के चल, और नाविक डुबो देगा तो हम डूब जाएंगे और क्या कर सकते हैं, लेकिन चलेंगे आपकी नाव में। फिर नाव वाले की जिम्मेदारी हो जाती है कि न वो नाव को डूबने देता है न बैठने वाले मुसाफिर को डूबने देता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगा लेता है। हमारी ज़िंदगी में ये हुआ, चंदन की तरीके से हुआ और हमने भगवान को देखा नहीं है, ना अपना मिट्टी का भगवान बना लिया है, अपने गुरु को भगवान बना लिया है एक लव्य की तरीके से। पांडवों के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, कौरवों के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन दोनों के गुरुओं ने वो नहीं सिखाया जो कि एकलव्य के मिट्टी के गुरु ने सिखा दिया था। हमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना है, पंडित जी नहीं माना है, स्वामी जी नहीं माना है, बाबा जी नहीं माना है, बल्कि भगवान माना है। अब भगवान की शक्तियाँ हमारे पास बराबर आती रही, हमको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है तो हम उनसे ज़्यादा करंट मांगेंगे। पहले छोटा बल्ब लगा रखा था तो थोड़ी सी बिजली से काम चलता था, अब तो हमने बहुत सा फैक्ट्री लगा दी है, इसलिए हमने बिजली वाले से कहा है हमको ज़्यादा फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के लिए बड़ी बिजली की ज़रूरत है, इसलिए आप ज़्यादा बिजली बनाइए, आप हमारा जरा बड़ा मीटर लगा दीजिए, आप हमारे ट्रांसमीटर को, ट्रांसफार्मर को बड़ा बना दीजिए। अब वो बड़ा बनाने जा रहा है, बस ये बात थी। इसलिए हमने उपासना करना सीखा और हम कौए से हंस बन गए। आप वही कीजिए, आपको भी यही करना पड़ेगा, इससे कम में किसी ने फायदा उठाया नहीं है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उपासना 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 उपासना, हमारे जीवन में उपासना करने की सामर्थ्य और शक्ति थी, अब तक हमने 75 साल तक निभाई, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से उपासना में लगेंगे। इसीलिए हमने लोगों से न मिलने का, लोगों से बातचीत न करने का निश्चय किया है, ताकि 100% हमारा मन एक काम में लगे। अब तक 100% नहीं लगता था, कभी आपकी तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, अब हमने अपने मन को समेट लिया है और समेट करके एक काम में, एक शक्ति से, एक मन से हम उसी काम में लगेंगे जिससे कि दो बड़ी जिम्मेदारियाँ
जो हमने आपसे निवेदन की थी, संसार में फैली हुई बुराइयों का मुकाबला करना, उनसे जद्दोजहद करना, और शहर में अच्छाइयाँ संसार में कम हैं उन अच्छाइयों को बढ़ा देना, राम राज्य की स्थापित करना, लंका का दमन करना, राम राज्य की स्थापन करना, दोनों काम एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन हम करेंगे दोनों ही काम। एक तरह का एक काम है, दूसरी तरह का दूसरा काम है, लेकिन करने तो पड़ेंगे ही, अब करना ही है। इसीलिए हमने ये कदम बढ़ाया। आप लोगों में से कोई बुरा मत मानना, गुरु जी क्यों नहीं मिलते, बातचीत क्यों नहीं करते, हमको देखने को क्यों नहीं मिलते, हमको प्रणाम करने को क्यों नहीं मिलते। आपके प्रणाम करना हो तो आप उसी तरह का प्रणाम कीजिए, हमको आप गुरु मानते हो तो उसी तरह का गुरु मानिए जैसे कि हमने अपने गुरु को माना है, जैसे विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था। बनना है तो इस तरह से बनाइए, बेकार के ढंग बनाने से कभी किसी का लाभ हुआ नहीं है, ना आपका लाभ हुआ है। अब तक हम आपके गुरु रहे हैं, हम आपके बड़े रहे, क्या लाभ हुआ बताना जरा? अभी तो कोई लाभ नहीं हुआ आपका, और आगे क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। लाभ उठाना है, हम जो शक्ति एकत्रित कर रहे हैं उस शक्ति में से आप भी हिस्सेदार बनने के इच्छुक हों तो आप उसी तरह के कदम उठाइए जैसे कि हम कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। बस समाप्त।